एनकाउंटर पर अखिलेश का काउंटर, एसटीएफ एक्शन पर ओवैसी ने दागे सवाल। रांची भाजपा में राज्य सरकार के खिलाफ रोष, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का किया गया पुतला दहन। दुनिया को अलविदा कह गए मौलाना नदवी, लखनऊ के नदवा मदरसे में ली अंतिम सांस। तेजी से पैर पसार रहा कोरोना वायरस, 24 घंटे में 10,158 नए मामले आए सामने। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। यूपी में एनकाउंटर हो और देश में इस पर सियासत ना हो, ये कहां हो सकता है। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मुठभेड़ में मारे गिराए गए, तो वहीं यूपी से लेकर हैदराबाद तक इसका हल्ला मच गया। बीजेपी जहां एक तरफ इस एनकाउंटर को योगी सरकार के महाप्रण से जोड़कर देख रही है, तो वहीं अखिलेश यादव ने इस पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए इसे झूठा एनकाउंटर करार दिया, साथ ही प्रदेश के सभी एनकाउंटरों की जांच की मांग उठा दी। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे, बताओ बीजेपी वालों? जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे। तुम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को, नहीं मारोगे। अब तक एक पकड़ा गया, नौ गायब, नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? तो फिर क्या राजधानी रांची में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं पर हुए प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ भाजपा में रोष है और इसके विरोध में राज्य भर के सभी जिलों में भाजपा ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया, साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन भी किया गया। बता दें कि कल राजधानी रांची में प्रदेश भर से भाजपा कार्यकर्ता और नेतागण एकत्र होकर सचिवालय का घेराव कर रहे थे, जिस पर वहां मौजूद पुलिस बल ने लाठियां बरसाई, साथ ही भीड़ को पीछे करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया, जिससे बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए। इस घटना को भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है और आक्रोश स्वरूप मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर पर भी जिला भाजपा ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। जलाया जा रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ नारे के साथ झारखंड सचिवालय का साथ से घिराव कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु हेमंत सोरेन के इशारे पर उनकी पुलिसिया तंत्र ने टूल किट बनकर के काम किया और हमारे कार्यकर्ताओं पर बहुत गलत तरीके से लाठीचार्ज हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी का गुरुवार को निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, निमोनिया और सांस लेने में दिक्कत होने के चलते उन्हें पिछले दिनों इलाज के लिए रायबरेली से लखनऊ के अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। लखनऊ के डालीगंज के करीब नदवा मदरसे में मौलाना नदवी ने अंतिम सांस ली। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर मौलाना राबे हसनी नदवी हमेशा धार्मिक मामलों को लेकर वो समाज को नसीहत देते रहते थे। एक मुस्लिम स्कॉलर की हैसियत से उन्होंने हमेशा इस्लाम और समाज की भलाई के लिए जीना सीखा। 1 अक्टूबर 1929 को यूपी रायबरेली में जन्मे मौलाना नदवी लगातार 6 बार से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष रहे। देश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,158 नए मामले सामने आए, जिससे देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 44,998 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 5,356 लोग कोरोना संक्रमित से ठीक भी हुए हैं। कोरोना से ठीक होने वालों की अब कुल संख्या बढ़कर 4,42,10,127 पहुंच गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.71% है, जबकि डेली पॉजिटिविटी रेट 4.42% है। बता दें पिछले 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन की 327 खुराक दी गई।
गई हैं। अब तक कुल 92.34 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 2,29,958 कोरोना टेस्ट हुए हैं। इस बार गर्मी ने कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अप्रैल में ही तापमान बढ़ने लगा है, अब लोग गर्मी से बचने के उपाय ढूंढने लग गए हैं। लेकिन गर्मी से राहत देने वाले सामान, चाहे कूलर हो, पंखा हो, टोपी हो या गमछा, सभी जमकर अपनी तपिश दिखा रहे हैं। इन सभी के रेट में 20% तक की बढ़ोतरी हो गई है, जिसका सीधा इफेक्ट ग्राहक की जेब पर पड़ रहा है। गर्मी से राहत देने वाले उपकरणों के दाम में काफी इजाफा हो गया है। जहां पिछले साल छोटे कूलर का 2,200 था, वहीं अब इसका नया रेट 2,500 हो गया है। इसी प्रकार से मीडियम कूलर 3,500 रुपए से बढ़कर 5,500 हो गया है। वहीं बड़े कूलर 9,000 से बढ़कर 12,000 रुपए के हो गए हैं। सीलिंग फैन की बात करी जाए तो 1,200 से बढ़कर 1,500, कूलर की घास 60 रुपए से बढ़कर 90, घास की भरवाई 100 रुपए से बढ़कर 150 रुपए, वहीं सामान्य टोपी 70 से 150 बढ़कर सब चीजों के दाम बढ़ गए हैं। गमछा 100 रुपए से बढ़कर 120 का हो गया है, जिससे गर्मी से राहत पाने के लिए ग्राहकों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।